नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 अक्टूबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। चूरू जिले के मौलीसर और सातड़ा के बीच तारानगर एसडीएम की गाड़ी और कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 4 महिलाएं और एक पुरुष घायल हो गए। वहीं तारानगर एसडीएम और उनके ड्राइवर को भी हल्की चोटें आई हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी को राजकीय डीबी अस्पताल में भर्ती करवाया है। बता दें कि तारानगर एसडीएम मोनिका जाखड़ है। जोधपुर के महामंदिर थाना अंतर्गत फुलेराव पार्क के पास बिना हेलमेट रोकने पर चालक ने बाइक भगा दी और महिला सिपाही को 30-40 मीटर तक घसीट लिया। इससे उसकी वर्दी फट गई और चोटें भी आई। पुलिस के अनुसार महिला कांस्टेबल उषा महामंदिर रेलवे स्टेशन के पास यातायात के एएसआई महिपाल सिंह के साथ ड्यूटी पर थी। मंडोर की तरफ से बिना हेलमेट आए बाइक चालक को महिला कांस्टेबल ने रोका। इस दौरान चालक ने बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से भागने लगा। कांस्टेबल ने बाइक पकड़े रखी जिससे वह घिसटने लगी। 30-40 मीटर तक घसीटने के बाद बाइक छुड़ाकर चालक भगा गया। महिला सिपाही की वर्दी फट गई और चोटें भी आई हैं। बीकानेर जिले के गंगा शहर पुलिस थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवक ने रुपयों के लेन देन के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार पुरानी लाइन गंगा शहर सारड़ा चौक निवासी श्याम भागर्व ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता शिव कुमार ने गंगा शहर निवासी जेपी नामक युवक पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपी की मृतक और जेपी के बीच रुपयों का लेन देन चल रहा था जिसमें श्याम काफी दिनों से अवसाद में था। जयपुर के झोटवाड़ा थाना पुलिस ने एक कुख्यात चैन स्नैचर को पकड़ा है। आरोपी गांव से जयपुर आता और सुनसान जगह अकेली नजर आने वाली महिलाओं के गले पर छपट्टा मारकर सोने के चेन तोड़कर पुण्य गांव चला जाता। एसीपी हरिशंकर शर्मा ने बताया कि चैन लूट के मामले में नागौर के मारोड स्थित मिंडा निवासी मुकेश सोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुकेश सोनी ने बताया कि कुछ दिनों में झोटवाड़ा, श्याम नगर, वैशाली नगर व चित्रकूट में करीब एक दर्जन वारदात को अंजाम दे चुका है। जोधपुर जिले के मंडोर और कुड़ी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक ने महिला की जान ले ली तो वहीं पिकअप ने बाइक सवार की जान ले ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों की ओर से वसूली जाने वाली जल संरक्षण उपकर राशि को लेकर राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों से रिपोर्ट मांगी है ताकि उपकर की उपलब्ध राशि के अनुसार राज्य सरकार आगामी जल संरक्षण के नवीन कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर सके। स्वायत्त शासन निदेशालय की ओर से सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के आयुक्त, अधिशासी अधिकारी को इस संबंध में रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के महाबार गांव में खेत में बकरियां घुसने पर परिवार के लोगों ने एक महिला की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पीड़िता को गंभीर हालत में राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। बीकानेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना पब्लिक पार्क की बताई जा रही है जहां 3 लड़कों ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने मासूम ओमिया व रमजान के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोनों भाई बहन ड्रग्स केस में मुंबई के जेल में बंद हैं। 6 अक्टूबर को रिया की न्यायिक हिरासत खत्म होनी थी लेकिन अभी उन्हें कुछ और दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती को अभी और 14 दिन जेल में रहना पड़ेगा। मंगलवार को मुंबई सेशन कोर्ट ने रिया समेत उनके भाई की न्यायिक हिरासत को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना के बीच 7 महीने बाद खुल रहे मल्टीप्लेक्स के लिए सरकार ने मंगलवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी कर दिया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में 15 अक्टूबर से 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल शुरू किए जा सकेंगे लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। 2 लोगों के बीच की सीट खाली रखनी होगी। कोरोना अवेयरनेस और फिल्म दिखाना भी जरूरी है। हर शो के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज होगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग होगी और मास्क लगाना होगा। एसिम्प्टोमेटिक लोगों की ही एंट्री देनी होगी। जो लोग कोरोना गाइडलाइन न माने उनके साथ सख्ती से पेश आए।
प्रदेश की सियासत में अपराध को लेकर सियासत चरम पर है। भाजपा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं के मामले में लगातार गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा है कि प्रदेश के जंगलराज की स्थिति चरम पर है और सरकार का पुलिस प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। दरअसल यूपी के हाथरस में हुए दलित बच्ची के बलात्कार के मामले में पूरे देश भर में सियासी उबाल आया हुआ है और इससे राजस्थान भी अछूता नहीं है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.